एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन एंड ब्यूटी। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है मेरे पहले के वीडियो से, बट जब हम वेलनेस एंड ओवरऑल वेलबींग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है अपने आसपास का ऑरा कैसे क्लीन करें। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कि हम अपने आसपास, अपने घर का या अपने ऑफिस का या अपने काम करने की जगह का या ऐसी कोई भी जगह जहाँ हम दिन में काफ़ी समय निकालते हैं, या फिर अपना खुद का, अपनी बॉडी के आसपास की जो हमारी ऑरा होता है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम कैसे क्लीन करें, पॉजिटिव करें, और नेगेटिविटी को या नेगेटिव एनर्जी को या नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें उन जगहों से या अपने आसपास से। तो बहुत ही ईजी टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ आइए शुरू करते हैं आज का मेरा ये वीडियो। सबसे आसान उपाय ऑरा क्लीन करने का होता है सी सॉल्ट वाटर, यानी कि सेंधा नमक वाला पानी। अगर आप अपनी बॉडी को ऑरा क्लीन करना चाहते हैं तो आप नहाने के पानी में एक चम्मच सेंधा नमक मिला लें और उससे नहा लें। आप उस पानी से सर पे उस पानी को ना डालें, क्योंकि सी सॉल्ट वाटर जो होता है वो बालों को सफ़ेद कर सकता है। घर का ऑरा क्लीन करने के लिए आप पोंछे वाले पानी में एक चम्मच सी सॉल्ट डाल लें और घर में इससे पोंछा लगा लें। ऐसा आप वीक में एक बार करें तो इससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर का ऑरा क्लीन हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घर के हर कमरे में एक ग्लास का कोई भी आप ले लें, जार ले लें, या कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं, उसमें पानी भर लें, उसमें आप एक चम्मच सी सॉल्ट डाल दें और घर के कमरों में उनके कॉर्नर में रख दें। आप इसको हफ्ते बाद इस पानी को ड्रेन कर लें और हफ्ते बाद चेंज कर लें इस पानी को। ये भी ऑरा क्लीन करता है। ऑरा क्लीन करने का सेकंड मेथड है स्मजिंग। स्मजिंग हमारे इंडियन कल्चर में वैसे तो बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है, बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं, बस हमें पता नहीं है कि उसको बोलते क्या हैं और हम वो करते क्यों हैं। स्मजिंग होती है, हम कर सकते हैं दीपक से, जो हम मंदिरों में जोत जगाते हैं, या फिर अगरबत्ती से, धूप से, कपूर से, या सेज इंसेंस, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी भी इंसेंस स्टिक्स बनती है, उनसे कर सकते हैं। तो अगर आप दीपक या जो जोत है उससे स्मजिंग करना चाहते हैं, जो आप अपने घर के मंदिर में सुबह शाम जगाते हैं, तो आप अपनी जो रेगुलर पूजा के बाद या आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में घुमा दें, अपने राइट हैंड से उसकी लौ पे हाथ फेरते, उसको हवा देते हुए पूरे घर में जब आप अगर घुमा देते हैं, तो उससे भी कहते हैं जो भी आपने भजन आरती की है, जो भी आपने मंत्र उच्चारण किया है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी उस दीपक में, उस लौ में चली जाती है। और जब आप एंड में उसको पूरे घर में घुमाते हैं तो वो पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाती है। यही चीज़ आप अगरबत्ती या धूप से कर सकते हैं, या आजकल सेज इंसेंस स्टिक्स मिल जाती हैं, ऐसे रोल्स मिल जाते हैं, उनको बस आप जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं फैला दें थोड़ा सा। वही आप कपूर भी यूज़ कर सकते हैं, कपूर भी बहुत अच्छा तरीका है। आप कपूर को जला के पूरे घर में उसको घुमा दें, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं, ये नकारात्मकता दूर कर देती हैं। ये तो आप डेली ही कर सकते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सुबह शाम पूजा करते ही हैं घर में। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कपूर से या सेज से या फिर अगरबत्ती से या धूप से, उसके धुएं से जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव टिप है, हर ट्यूसडे और सैटरडे को आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, दीपक जलाएं, उसमें 3-4 लौंग डाल के हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आरती करके उस लौ को, उस दिए को पूरे घर में घुमा दें। ऐसे करने से भी, ये आप मंगलवार और शनिवार को कर सकते हैं, ऐसा करने से भी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका मंदिर है या जो भी पूजा करने की जगह है, वहाँ पे हम लोग पानी भर के रखते ही हैं, गंगा जल होता ही है वहाँ पे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी फ्राइडे या सैटरडे को एक बोल या एक गड़वी में पानी भर लें, उसमें गंगा जल डाल दें थोड़ा सा, और उसको अपने पूजा घर में रख दें। उसके बाद आप 2-3 दिन बाद, जब पूजा हो जाए आपके घर में जो होती रहती है रेगुलर, उसके बाद आप 3-4 दिन बाद उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करेंगे अगर आप, जब ऐसा भी करते हैं तो क्या होता है, जो भी हम पूजा करते हैं, हम जो आरती करते हैं, जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं या पाठ करते हैं, वो भी सारा कुछ, उसकी जो एनर्जी है वो सारी पानी में चली जाती है। और जब 3-4 दिन बाद आप उसे पूरे घर में छिड़कते हैं तो वो
सारी पॉजिटिविटी पूरे घर में फैल जाती है। तो एक ये बहुत अच्छा उपाय है ऑरा क्लीन करने का। अगर आपको ये जानना है कि किसी जगह पे नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है, तो उसके लिए एक आप बड़ा सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है पूरा और उस जगह पे रख देना है जहाँ पे आपको लगता है या जहाँ आपने देखना है कि कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है। आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, उसको आप कहीं भी छुपा के किसी जगह रख दें, मतलब सबके सामने ना आए वो, दिखे ना किसी को। अगर वो नींबू पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली एक जैसा सूखता है, मतलब ब्राउन हो जाता है पूरा, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। पर अगर उस नींबू पे धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन पड़ जाते हैं, मतलब एक जैसा नहीं सूख रहा है, वो धब्बों में सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब उस जगह पे नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो आप उस जगह की क्लीनिंग कर सकते हैं ऑरा किसी भी मेथड से। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है जानने के लिए कि किसी जगह पे नेगेटिविटी है या नहीं है, इस जगह को क्लीनिंग की ज़रूरत है या नहीं। और दोस्तों, एंड में जो सबसे इजी टिप है घर के ऑरा को या किसी भी जगह के ऑरा को क्लीन करने के लिए या अपना खुद का ऑरा क्लीन करने के लिए, वो है डिवाइन म्यूज़िक एंड मंत्रा। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अपने फ़ोन पे, अपने घर के टीवी पे या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ जो आपको अच्छा लगता हो, गायत्री मंत्र हो या आपके इष्ट देव का कोई मंत्र हो या कोई भी ऐसा डिवाइन म्यूज़िक हो जो आपको कनेक्ट करता हो डिवाइन से, आप वो चला दें और उसकी जो साउंड एनर्जी है, जो साउंड वेव्स हैं उसकी, वो पूरे घर में फैलने दें। उसको थोड़ी देर के चला के रखें, इससे भी घर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो ये थी लास्ट टिप, आप ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं घर का या अपने आप का। आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।